जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शो की शुरुआत टैगलाइन से ही करूंगा, पढ़ो क्योंकि सीखना है। सीखना ही है। एक साहब की प्रेमिका ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास मारुति कार है? कहा नहीं है। बोली तुम्हारे पास फ्लैट है? बोली नहीं है। पूछी तुम्हारे पास नौकरी है? साहब बोला नहीं है। बोली ब्रेकअप। बोली ब्रेकअप। चली गई लड़की। तो जिस साहब को छोड़ के गई, आदमी सोचा कि इसने पूछा मेरे पास मारुति कार है कि नहीं, मेरे पास BMW है चार चार। इसने पूछा तुम्हारे पास फ्लैट है कि नहीं, मेरे पास 8 बंगले हैं। इसने पूछा तुम्हारे पास नौकरी है कि नहीं, मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है साल का, मैं क्यों नौकरी करूंगा? फिर ये मुझे क्यों छोड़ के चली गई? सोच। हर व्यक्ति की एक सोच है। वाली मूवी देखी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई? वो अजय देवगन पूछता है अमरूद वाले से कि सोच, ये दुनिया का आखिरी अमरूद है, कितने का? कहता है 200 रुपया। कहता फिर से सोच, ये वो अमरूद है जिसको अकबर ने अनारकली को गिफ्ट में दिया था? कहता है 250 रुपया। कहता सोच, सोच बार बार उस सोच शब्द पे, उस मूवी के उस सीन में, उस सोच सोच अमरूद वाला, उस अमरूद का वो सुल्तान मिर्जा से उस समय 1970s में 5 लाख रुपया लेकर पूंजीपति हो सकता था। सोच। तुम मूवी देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छी बात है, मूवी एंटरटेनमेंट के साथ संदेश भी दे रही है। तो पढ़ो क्योंकि सीखना है। सीखने से क्या होगा? समझ बढ़ेगी। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझने से क्या होगी? उन्नति। और आज की कहानी में एक ऐसे आदमी की कहानी है, मोहम्मद बीन तुगलक। सिर्फ नाम हो जाने से कोई मोहब्बत नहीं हो जाएगा, कर्म से, कर्म का सिद्धांत, कर्म। जिस भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, सभी हैं, सभी की हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने समझदारी के विकास पर ध्यान दिया, समस्याएं किनारा करने लगती है। इस व्यक्ति की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी सबको सुननी चाहिए। मेरे बड़े सारे भाई बहन राजा बनने की दौड़ में शामिल हैं, महत्वाकांक्षी हैं, कहते कोई सूत्र बता दो। राजा के अंदर 4 गुण होते हैं, होते ही होते हैं। अगर उन 4 गुणों का अभाव हो जाए तो अगर गलती से राजा बन भी गए तो खत्म। पहला उत्साह, दूसरा एंथुजियाज्म, पहला कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, दूसरा उत्साह एंथुजियाज्म, तीसरा डेयरनेस हिम्मत, और चौथा अंडरस्टैंडिंग समझदारी। ये राजा के 4 आधारभूत गुण हैं, आत्मविश्वास, उत्साह, हिम्मत मतलब साहस, और समझदारी। और सारा खेल समझदारी का है। इस जगत में सारा खेल समझदारी का, सारा।
इसीलिए मैं बार बार भाइयों और अपने बहनों से कहता हूं कि समझदारी का विकास करो, कम पढ़ो लेकिन समझदारी का विकास ज्यादा करो। यहां लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, समझदारी का विकास कम हो रहा है। तो आज की कहानी मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित है, बहुत पढ़ा लिखा आलिम। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा, जनता को बड़ी आशा, लगभग भारतीय महाद्वीप के एक बड़े भूभाग पर दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व, शिक्षित अति शिक्षित विद्वान उदार, लेकिन समझदारी का अभाव। इससे पहले हम जिस आदमी पर चर्चा कर चुके हैं, अनपढ़, उपद्रवी, बदमाश, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में ये दो व्यक्तित्व हैं और दोनों आपको सुनने चाहिए। एक अनपढ़ है, उपद्रवी है, बदमाश है, अय्याश है, लेकिन एक सफल राजा है, एक सफल सुल्तान है। ये शिक्षित विद्वान उदार 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बड़े लोगों की आकांक्षाएं, बड़े लोगों की आशा इस व्यक्ति से, और इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे काम किए जो इतिहासकारों के लिए बड़ा विस्मयकारी कार्य रहे कि अरे भैया ये कैसे सोच लिए। जैसे आज से 600 साल पहले अगर कोई आदमी हवाई जहाज के बारे में सोच रहा है, बड़ी बात है कि ये कैसे सोच लिए। व्यक्ति अपने समय और काल से बंधा हुआ होता है, समय और काल के बाहर जाकर सोचना, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा आज संभव है, मोनार्की में संभव नहीं था, राजशाही में संभव नहीं था, प्री मॉडर्न युग में संभव नहीं था, था ही नहीं। कुबलाई खान ने चालू किया, चीन में बंद कर दिया। टोकन करेंसी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि सरकारें स्थाई है ना। आप देखो 500 रुपए की नोट पे क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कौन? आरबीआई। तो भारत का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो चेंज हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा, लेकिन भारत की सरकार अस्थाई है, स्थाई परमानेंट, वो चेंज नहीं होगी। और सरकार का इंस्टीट्यूशन है आरबीआई, वो ले रहा है गारंटी। मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तो ये जो सांकेतिक मुद्रा है, ये आज के काल समय में ही संभव है, पहले संभव नहीं थी। और इस व्यक्ति ने सांकेतिक मुद्रा के बारे में सोचा नहीं, इंप्लीमेंट किया। कई सारे कारण बताए गए कि बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, तो बहुत बड़ा सेवा संवर्ग था, ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी, सबको तनख्वाह देना था, तो चांदी की कमी पड़ गई, व्यापार वाणिज्य बढ़ गया, ऐसे बड़े सारे कारण, जेन्युइन कारण दिए गए कि ऐसा है कि चांदी की कमी, और भारत में चांदी का कोई खदान है नहीं, तो चांदी की कमी हो गई। अब कमी हो गई तो उसकी पूर्ति करना ही है, कमी का सामना तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, लेकिन बड़ा व्यवहारिक ढंग से किया, बाजार नीति। इस आदमी ने क्या किया, सांकेतिक टोकन करेंसी के बारे में सोचा। जैसे आज जो रुपए लेके आप टहल रहे हो, उस कागज की कोई कीमत नहीं है। कीमत किसकी है? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर की। तो 500 रुपए का जो नोट है, उस कागज की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत है आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर की। टोकन करेंसी चलाई, ब्रॉन्ज का सिक्का, सिल्वर के सिक्के के बराबर की कीमत का इश्यू किया उसने, ब्रॉन्ज, कांसा, कांसा का सिक्का, सिल्वर की कीमत के बराबर, सिल्वर के सिक्के की कीमत के बराबर इसने कांसे के सिक्के का प्रचलन शुरू किया। बहुत बड़ी बात है, अपने समय से बहुत पहले का, बहुत
दूरगामी सोच का आदमी टोकन करेंसी, तारीफ होनी चाहिए। उस सिक्के का नाम था बिरंज। जो सिक्का इसने कांसे का चालू किया, सिल्वर चांदी के सिक्के के बराबर मुंह लिखा, उसका नाम था बिरंज। कदम तो बहुत खतरनाक है, कदम बहुत दूरदर्शी है, कदम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लड़के टाइम टेबल ही बनाते हैं जिंदगी भर। कि बस कल से माँ बाप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं मेरे ऊपर, अब पैसा वेस्ट नहीं करना है, ना समय वेस्ट करना है। पूरे दिन कमरा सजाते हैं, खिड़की पे पर्दा लगाते हैं कि आज से खिड़की से किसी को नहीं देखना है, किताबों पे कवर ओवर चढ़ाते हैं, पूरा कमरा साफ सफाई दिन भर, कि बस अब बैठ के पढ़ना है, अब कुछ करना ही नहीं है। फिर शेड्यूल बनाते हैं कि कल से 5 बजे उठेंगे और 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे और 10 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 10:30 बजे नाश्ता करेंगे, फिर 11 बजे से बैठ जाएंगे, फिर 5 बजे तक पढ़ेंगे और 5 बजे कप चाय पियेंगे, हल्का सा खाना खाएंगे, फिर 9 बजे तक पढ़ेंगे। बन गया शेड्यूल, बहुत बढ़िया और बड़ा क्रांतिकारी शेड्यूल। लेकिन कल आता ही नहीं। असफल लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कल। और मजेदार बात, टुमारो नेवर कम्स। आज कल आता ही नहीं, कल जैसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में। कबीर ने कहा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परमे परले होएगी बहुरी करेगा कब। बहुत बड़ा सूत्र, कल आता ही नहीं। जिस आज में तुम जी रहे हो, ये तुमने कल सोचा था कि कल आएगा। आज क्या कर रहे हो? आज सुबह उठो और जैसे नींद खुले डायरी उठाओ और पूरे दिन का शेड्यूल नोट डाउन कर लो। छोटा शेड्यूल बनाओ, छोटा, मन के बहकावे में मत आओ। मन तो ऐसा है कि इतने बड़े बड़े शेड्यूल बना देगा कि आज 12 घंटा पढ़ेंगे, नहीं कर पाओगे। बाबा रामदेव जी जब बताते थे कपालभाति के बारे में कि कपालभाति करने से रोशनी बढ़ती है और चमक बढ़ता है और चेहरा चमकता है और जवानी आती है, तो कुछ लोग पहले दिन करने बैठे 2.5 घंटा कर गए, आंती पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। अरे बाबा कह रहे थे कि धीरे धीरे शुरू करो, पहले 2 मिनट से। सीखने में टाइम लगता है। आज साइकिल चलाते हो हाथ छोड़ के, लेकिन जब सीख रहे थे तो पहले 10 दिन सिर्फ लेके भागे बैलेंस करने के लिए। सीखने में समय लगता है, जब सीख जाते हो तब समय नहीं लगता। यह बहुत बड़ी गलती आज का विद्यार्थी वर्ग करता है, बहुत बड़ी। सीखने में समय लगता है। तो अब शेड्यूल बन गया और सब कुछ हो गया और कमरा साफ हो गया और किताबें सही जगह और भगत सिंह की फोटो लग गई और डॉक्टर अंबेडकर और विवेकानंद, सब कुछ हो गया, लेकिन रात में थक गए तो बोले अब कल से करेंगे। और कल कभी आता नहीं। पॉलिसी बनाना बहुत आसान है, उसको सफल पूर्वक इंप्लीमेंट कर लेना चैलेंजिंग है। और जो इंप्लीमेंट कर ले गया, इसीलिए मैं अपने हमारे जो इस वक्त प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी, मैं उनकी बड़ी इस मुद्दे पे तारीफ करता हूं, बहुत करता हूं। एक राजनेता के रूप में, एक दल के रूप में, पार्टी के रूप में मतभेद होना बड़ी अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मोदी जी जहां से उठकर आए हैं, कितना उन्होंने अपनी नीतियों का क्रियान्वयन किया होगा, तारीफ होनी चाहिए इस बात की। एक व्यक्ति के रूप में जो नीतियां उन्होंने बनाई होगी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया होगा, नहीं तो इतनी ऊंचाई पर वो कभी नहीं पहुंचते।
दो टर्म भारत का प्रधानमंत्री, तीसरे की तैयारी अब की बार 400 के पार, लोग कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अनडिस्प्यूटेड सीएम, अनडिस्प्यूटेड पीएम, लोकसभा का इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, सीधे प्रधानमंत्री। क्या व्यक्तित्व का विकास किया होगा उस व्यक्ति ने, तारीफ होनी चाहिए इस बात की। राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, क्रियान्वयन, पॉलिसी बनाना वाली बात नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन। अब इसने सांकेतिक मुद्रा जारी किया, भारत में बिना प्रिकॉशन के, भारत में बिना प्रिकॉशन के बिजली विभाग बहुत हाथ पैर मारा, तब भी लोग कटिया लगा रहे हैं। भारत है ये, राजधानी के ट्रेन में जो वॉशरूम है उसके डिब्बों में चेन बांधनी पड़ती है, भारत है ये भारत। एक्सप्रेसवे जो चारों तरफ बने हैं, जो जाली लगाई गई लोहे की, लोहा ही काट ले गए, भारत है ये। बेचारा भूल गया कि ये हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का शासक है। पर बिना प्रिकॉशन, मौर्यों के समय मुद्रा से संबंधित दो अधिकारी थे, एक लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा की प्रिंटिंग करता था, दूसरा रूपदर्शक जो मुद्रा की जांच करता था। आज भी जब आप 500 और 2000 का नोट किसी को देते हो, खटाक से चेक करता है। सरकारों के समक्ष मुद्रा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फेक करेंसी। और इस आदमी ने बिना किसी प्रिकॉशन के कांसे का मुद्रा इश्यू कर दिया, कोई प्रिकॉशन ही नहीं। पब्लिक ने देखा कि अबे ये तो कोई प्रिकॉशन ही नहीं, कोई बचाव ही नहीं, कोई विशेषीकरण ही नहीं। भारत की पब्लिक घर में मुद्रा बनाने लगी, कांसे का बर्तन तोड़ डाला, बोले मुद्रा बनाओ, लैपटॉप ले आओ, गुड़िया की शादी कह दो, दुई कमरा ऊपरो बनवा डारो। घर घर में छपाई होने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बाजार में पैसा ज्यादा आ गया, चीजें कम हो गई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गई, अर्थव्यवस्था ठप। इसने ऑर्डर पारित किया कि बंद करो सांकेतिक मुद्रा, बंद करो, बंद हो गई। अब गौर करिएगा, अब इसके दिमाग को देखिए, अब देखिए किसने कहा मुद्रा बंद करो। पहली गलती, बिना किसी प्रिकॉशन के सांकेतिक मुद्रा जारी की। मुद्रा एक कुमारी, राजकुमारी की तरह है, एक तो स्त्री, ऊपर से राजकुमारी, हर आदमी लेके भागने को तैयार है। पहली गलती, बिना प्रिकॉशन के मुद्रा जारी कर दी। दूसरी गलती करने जा रहा हूं, और जबरदस्त गलती, गौर करिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंफॉर्मेशन से ज्यादा समझदारी पर बल दो। इसने आदेश दिया कि बाहर जितने भी ब्रॉन्ज सिक्के रोटेट हो रहे हैं, कांसे की मुद्राएं जितनी भी बाहर घूम रही हैं या जिनके पास भी हैं, उनको लाकर राजकीय कोष में जमा कराएं और उतने ही मूल्य का चांदी का सिक्का ले जाएं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया था, उन्होंने भी बना डाला। देखो ये राजा है, तुम राजा बनना चाहते हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख बन जाएगा। ये आदमी, सोच का विकास करो, समझ का विकास करो, ध्यान करो, ध्यान।
ध्यान करो, तुम कहां घड़ी के चक्कर में पड़े हो, मोबाइल के चक्कर में पड़े हो, ध्यान। जिसके पास पैसा है वो महान नहीं है, जिसके पास ज्ञान है वो महान है, जिसके पास समझ नहीं है, अगर वो गलती से राजा बन भी जाए, ये देखो, ये तुम तो लड़ रहे हो ना राजा बनने के लिए, ये बन गया था, समझ, बिना प्रिकॉशन के मुद्रा जारी कर दोगे, और जारी कर दिए तो पब्लिक से कहोगे जिसके जिसके पास है ले आओ और उतने मूल का चांदी का सिक्का ले जाओ। आधी तिजोरी खाली हो गई। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब सब बोरम भर के लाएगी भैया। ए शुक्ला, ए शुक्ला का भी था 50 रुपया। जा दोझा घर में भैया पर आ रहा 2000 सिक्का, इनके पापा चलावत रहे। आधी तिजोरी खाली, ये सीखने की बात है, पढ़ने की। तुम इतना बिजी हो पढ़ने में, पता नहीं क्या करोगे पढ़ के। पुरोहित तबके को तुमको देख के लगता नहीं, किसी भी धर्म के पुरोहित तबके को उठा लो, 90% किसी काम का नहीं है, पढ़ा बहुत है, पढ़ा बहुत है। एक महात्मा जी थे, उनके आश्रम में एक तोता कहीं से उड़ के आया, तो महात्मा जी सुबह उठ के मंत्र जाप करते थे, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधना मृत्यु मोक्ष मामृता। तोता को बड़ा अच्छा लगा, अरे महात्मा जी तो सुबह सुबह का पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ा टेरिफिक चीज चलती है। कुछ दिन बाद उसने भी वो मंत्र सीख लिया, वो भी बोलने लगा। अब जब तोता मंत्र बोलने लगा, तो जो आश्रम में महात्मा जी से मिलने आते थे, जैसे लोग आए तोता मंत्र बोलने लगे, लोग बड़े प्रभावित हुए, यार तोता मंत्र बोल रहा है, बोले पकड़ो इसको, पकड़े तोता को सब, एक महाजन को बेच दिए, महाजन ने उसको अपने एक पिंजड़े में रखा कि यार ये तो महामृत्युंजय का जाप करता है, घर में हमेशा सुख शांति अभय रहेगा। राजा ने, उस राज्य के राजा ने कोई प्रोग्राम कराया, महाजन जी को इनविटेशन आया, महाजन को लगा क्या दें यार राजा को गिफ्ट, बोले तोता ही दे देते हैं, ले गए तोता। राजा ने कहा ये क्या लाया हो, बोले साहब तोता है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है। राजा ने उसको सोने के पिंजड़े में बंद कराया, रानी के कमरे में रखवाया, रानी ने महामृत्युंजय का जाप सुना, बड़ी खुश हुई रानी कि क्या तोता है महामृत्युंजय का जाप करता है, लेकिन तोता है किसमें, सोने के पिंजड़े में। तो रानी ने एक बार अखंड रामायण का पाठ कराया, तो पंडित जी जब श्लोक पढ़े तो श्लोक के अंत में कहें कि जो हरि बोले उसे मुक्ति होए, तोते ने कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, और जैसे पंडित जी कहें जो हरि बोले मुक्ति होए, तोता कहे पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी तो बड़े परेशान हो गए कि यार ये तो पढ़ने ही नहीं दे रहा यार, हर बात पे कह रहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। 3-4 दिन जब बीता तो पंडित जी अपने गुरु के पास गए, कहीं यार एक रानी के महल में तोता है, बहुत बदतमीज है, जैसे मैं कहता हूं जो हरि बोले मुक्ति हो वैसे कहता पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, और रानी का तोता है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो हमको दिखाओ, गए तो जैसे पंडित जी ने कहा जो हरि बोले सो मुक्त हो, फिर कहा पंडित झूठ बोल रहा है। तो गुरुदेव गए तोते के पास, उसके कान में कुछ कहा उन्होंने, तो जब उन्होंने कहा तो अखंड रामायण का पाठ खत्म हुआ, पंडित जी बोलते रहे, तोता पलट का जवाब नहीं दिया, उस दिन कुछ नहीं बोला। पंडित जी भी बड़े चकित हुए कि यार ये क्या हो गया यार, ऐसा क्या समझा दिया गुरु जी ने कि पंडित तोता एकदम चुप। और दूसरा दिन सुबह जो है तोते के पिंजड़े के पास लोग खाना पानी रखने गए, तो देखे उल्टा पड़ा है, हिलाए डुलाए,
कुछ एक्शन ही ना हो शरीर में, तो लोग जाके बताया कि महारानी जी तोता तो मर गया। रानी जी आई देखी, बड़ी दुखी हुई, रोई गई कि अरे यार तोता मर गया, कहीं जे आओ तब छोड़ आओ बाहर, कहीं फेंक आओ। तो उसको निकाला और निकाल के ले गए बाहर जंगल में, और जंगल में एक जगह फेंक दिया। जैसे फेंके वो खड़ा हो गया और उड़ के गया पंडित जी के घर के डाण पे, बैठा छत पे। पंडित जी पाठ कर रहे थे, बोले जो हरि बोले सो मुक्ति होए। अरे बोला नहीं पंडित जी, जिसको गुरु मिले उसकी मुक्ति होए। समझ का विकास करना है। इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्यों फेल कर गई? समझ के बजाय तोतों का संख्या बढ़ गई। सब परे हर आदमी, अरे भैया 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 मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है भैया। अच्छा देखो आजकल के लोगों को बाहर विचारधारा, ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुसलमान, यूपी, बिहार, पंजाब, आज भारत में चारों तरफ आग लगी हुई है। पता है क्यों? शिक्षा ने तोतों की संख्या को बढ़ा दिया। जिसके पास समझदारी है वो राजा नहीं है तो बनेगा और सफल, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जिसके पास समझदारी नहीं है वो राजा है तो खत्म हो जाएगा। इसलिए पहला उद्देश्य जीवन का बनाओ कि समझदारी का विकास करना है। गुरु बनाओ, ध्यान करो, साधना करो। अभी देश भारत युवाओं का देश है, युवाओं का। पहला काम इसने किया टोकन करेंसी, आधा खजाना खाली हो गया। दूसरा राजधानी परिवर्तन, बड़ा साम्राज्य था, लगभग पूरे भारत के उपमहाद्वीप पर कब्जा था इसका। तब इतने बड़े उपमहाद्वीप पर एक सेंटर से तो चलाया नहीं जा सकता, तो इसने कहा कि दो राजधानी बनाएंगे। बोले साहब कहां बनाओगे? बोले दौलताबाद, दक्कन, महाराष्ट्र, पुणे के पास। पुणे का मौसम बड़ा प्यारा है, पुणे में रहने का अपना एक अलग मजा है। ठंडक में कूल, गर्मी में कूल, गुलाबी मौसम का शहर पुणे। शहर मौसम के हिसाब से पसंद तो आते ही हैं, लेकिन पसंद पे चुनाव थोड़ी होगा, उपयोगिता पे। अब दो राजधानी तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भी थी, उज्जैन, एक राजधानी उज्जैन भी थी। कालिदास जैसे लोग उज्जैन के दरबार में थे। इसने कहा मैं राजधानी ले जाऊंगा दौलताबाद, दक्कन। दरबारियों ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो, ले जाना है आप दूसरी राजधानी उज्जैन ले जाओ, दक्षिणापथ पे पूरी नजर रहेगी आपकी। दक्कन, दक्कन तो वैसे ही सुरक्षित है, चारों तरफ से समुद्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, वहां जाने की क्या जरूरत है? खतरा किधर से? उत्तर पश्चिम से। दिल्ली में आपका रहना जरूरी है सर। ये मंगोल, दो तीन लोगों ने इसको राय दी, कहा फांसी पे चढ़ा दो, हमको समझाओगे? एमएससी फिजिक्स, पीएचडी इन संस्कृत। यही मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं इस दुनिया के पुरोहित तबके को देखता हूं तो यूट्यूब का जमाना है, बहुत सारे पुरोहितों की वाणी तो यूट्यूब पे सुनाई पड़ती है और उनको सुन के लगता है कि इसके सिवा तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। कहते हैं भगवान का भजन करो तो भगवान सब कुछ दे दे। हमारे स्वामी जी हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, बरचर में आश्रम, सक्तेशगढ़ में आश्रम, वहां ध्यान करते हैं लोग। आपको कभी मौका लगे उनके आश्रम जरूर जाइए, रहिए वहां 5 दिन, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, ध्यान करिए, मार खाइए उनकी। आप में से किसी को भी लगे कि जिंदगी यार सही नहीं चल रही, कुछ सीखना है यार, कुछ करना है, तो आप उनके आश्रम में जाके, ऐसे बड़े सारे आश्रम भारत में हैं, लेकिन आप उनके आश्रम में जाइए, सक्तेशगढ़ चले जाइए, बरचर चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए,
अमेरिका से इंजीनियर आके ध्यान कर रहा, रात रात भर बैठकर गमछल बैठे हुए रात भर ध्यान। तो मेरे मन में एक बड़ी इच्छा होती थी कि जो पुरोहित तबका है ये दिन भर भगवान के शरण में है, चाहे हिंदू पुरोहित हो, मुसलमान पुरोहित हो, ईसाई पुरोहित हो। उसकी वजह सिर्फ एक है, पढ़ लिया, समझ नहीं पाया था। कुरान कहती है मूतू अबला किबला मूतू, मरने के पहले मरना पड़ता है। यही बात तो गोरखनाथ भी कहते हैं, मरो ए जोगी मरो। सिद्धार्थ की मृत्यु हुई तभी तो बुद्ध पैदा हुए, वर्धमान की मृत्यु हुई तभी तो महावीर पैदा हुए, नरेंद्र की मृत्यु हुई तभी तो स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, द्विज ट्वाइस बॉर्न। कहां है धार्मिक झगड़ा? सूत्र तो वही है। इनल्ला मा साबरीन, अल्लाह उसी को मिलता है जिसके पास सब्र है। वही तो गीता में संजय है, संयम। मन जब भी देखेगा संयम की आंखों से देखेगा तभी उसे सही दिखाई पड़ेगा। वो जो संजय धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र कौन? मन। और संजय कौन? संयम। तो मन जब भी अच्छा देखेगा, मन जब भी देखेगा संयम के सहारे ही देखेगा। कहां फर्क है? कहां दोनों धर्म के सूत्रों में फर्क है बताओ? दोनों एक ही सूत्र तो कह रहे हैं। जिसने इसको समझाया कि साहब दक्कन जाओगे तो उत्तर पश्चिम से खतरा बढ़ जाएगा सर, और परेशानी हो जाएगी सर, कहा लटका दो। जबरदस्ती राजधानी ले गया दिल्ली से दौलताबाद, जबरदस्ती। जो लोग नहीं गए, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा कि जो लोग नहीं गए उनको घसीट के ले जाया गया। एक आदमी का सिर्फ पैर पहुंचा दौलताबाद, इतना घसीटे। जब ये वहां पहुंच गया दौलताबाद, कुछ दिन वहां रहा, तब इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, अब दौलताबाद से दिल्ली चलाना, आधा समय तो उसका आने जाने में, सिर्फ इंफॉर्मेशन आने जाने में टाइम लग जाता था। इसने बिना किसी को बताए एक दिन रातों रात दौलताबाद से दिल्ली आ गया। तब लोगों को बहुत ठेस पहुंची कि तुमको समझाए थे ना, तुमको बताए थे ना कि गलत है। तो आधा खजाना खाली हुआ टोकन करेंसी के प्रयोग में, और अब एक हिस्सा और खाली हुआ राजधानी परिवर्तन। और अब इसके सरदारों को, इसके सामंतों को, इसके अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि साइकोलॉजिकली है, एहसास हुआ, एहसास कि है कुछ, कुछ लोचा है, केमिकल लोचा है इसको। राजा के चारों तरफ एक प्रबुद्ध तबका होना चाहिए, प्रबुद्ध। चाटुकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी राजा को बर्बादी का अहम कारण जो होता है, राजाओं की बर्बादी का जो अहम कारण होता है वो राजा का चाटुकारिताओं से घिरा होना। इस देश के नेता वोट मांगने जाते, वोट भैया भैया हमको देना भैया वोट। 24 का इलेक्शन आ रहा है, एक तो तुम जनता की सेवा भी करने जा रहे हो, उसके ऊपर से भीख मांगने भी जा रहे हो। जो सेवा करने जा रहा है लोग उसको खुद ही वोट देंगे, वो क्यों मांगने जाएगा? अब वो मांगने जाएगा तो सबका पैर छुएगा, हर घर में घूम घूम कर पैर छुएगा। किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी को पैर छूते हुए देखे हो? राम मनोहर लोहिया हर घर में वोट मांगने जाएंगे, पैर छुएंगे? वो जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी का पीएचडी इकोनॉमिक्स। पर ये हमारी प्रजा भी तो ऐसी ही है। 24 का इलेक्शन आ रहा है, देखो समाज में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आग लगी है, जातिवाद की आग, संप्रदायवाद की आग। अरे भैया इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद सब शांत हो जाएगा। इसके अधिकारी तबके को एहसास हो गया,
और राजा दो लोगों पर टिका होता है, एक उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसका मंत्रिपरिषद और एक जनता, दो उसके आधार हैं। एक को तो एहसास हो गया कि डिस्टर्ब है ये। तीसरा कांड जो इसने किया, अरे उसमें तो क्लियर हो गया, उसमें तो क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। दुनिया में एक ग्रुप है, उसको ग्रुप को कहते हैं MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग आपको भी मिलता होगा कभी कभी, आप जान नहीं पाते होंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, एडिडास और नाइक जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, तो इनके मैन्युफैक्चर में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो उसको वो फिर सेकंड सेल में भेजती है। आपने देखा होगा फैक्ट्री आउटलेट, सेकंड सेल की दुकान, 30% डिस्काउंट, 40%। तो जहां मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है तो उसको वो फिर मेन शॉप पे नहीं भेजती, उसको फैक्ट्री आउटलेट में भेज देती कि इसको सेल में लगा दो। अब इतना मैन्युफैक्चर डोली हो रहा है तो कहीं ना कहीं कहीं किसी ना किसी में डिफेक्ट आ जाता। तो जब नीचे की कंपनियों में डिफेक्ट आता तो ऊपर लाखों लोग डेली बन रहे हैं, पैकिंग हो रही है, मनुष्य बनाए जा रहे हैं और वो देवदूत आपस में बात कर रहे हैं, मनुष्य की शरीर बन रही है, एक एक अंग लगाया जा रहा है, उसी में किसी ने उठा कुत्ते का दिमाग उठा के बंद करके भेज दिया नीचे। अब वो नीचे जब तुमको मिला तो चिल्लाया जा रहा है कि काट डालेंगे तुमको, हमको जानते नहीं हो। अब तुम डिस्टर्ब हो कि यार मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, MD हमारे सोसाइटी में साहब रहते हैं, मेरी गाड़ी गलत पार्क हो गई, हमसे कहे कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं बहुत कुत्ता किस्म का आदमी हूं। मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि भाई साहब किस ब्रीड के हैं, बहुत नाराज हो गए। खुद ही कहे मैं बहुत कुत्ता किस्म का आदमी हूं। तो मैंने बस इतना कहा कि भैया क्योंकि हर ब्रीड का अलग अलग बिहेवियर है, शिट्ज़ू है, पिटबुल है, जर्मन शेपर्ड है, कुछ देसी है, सब पे नाराज मत हुआ करो, सबसे लड़ा भी मत करो। MD एक सूत्र दे रहा हूं, कोई ज्यादा परेशान कर सो ले, अरे बाप रे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये MD मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तीसरा कदम जो इसने उठाया उस पर तो इसके अधिकारियों को भरोसा, कंप्लीट विश्वास कि भाई डिस्टर्ब नहीं है, पागल है। और तीसरा था महदेशियाई महत्वाकांक्षा, सेंट्रल एशियन एम्बिशन। आज के शो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।